हेलो फ्रेंड्स, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है हैशिंग में से। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। द कीज, दीज आर द कीज गिवन टू अस, आर इंसर्टेड इनटू द एम्प्टी हैश टेबल ऑफ लेंथ 10 यूजिंग ओपन एड्रेसिंग विद हैश फंक्शन HIISQ mod 10 एंड लीनियर प्रॉबिंग इज यूज्ड। What is the resultant hash table and find the maximum prob value? तो गाइस, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, कीज गिवन है और उन कीज को हम हैश टेबल में डाल रहे हैं जिसकी लेंथ है 10 और हैश फंक्शन हम यूज कर रहे हैं ये HI। I क्या है यहाँ पे, की वैल्यू है I square mod 10 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग एक्चुअल में हम कहाँ पे यूज करते हैं, ओपन एड्रेसिंग के अंदर यूज करते हैं जब कोलिजन अकर होता है, जब हम कीज को हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं। अगर उस प्लेस पे, उस जगह पे ऑलरेडी की वहां पे प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हम कोलिजन। और जब कोलिजन अकर होती है तो या तो हम ओपन एड्रेसिंग यूज करते हैं या क्लोज्ड। क्लोज के अंदर हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग और ओपन में हम जनरली यूज करते हैं लीनियर प्रॉबिंग। सबसे ज्यादा यूज होता है लीनियर प्रॉबिंग या क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग भी है, लेकिन लीनियर प्रॉबिंग के ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हैशिंग में मैं आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता देता हूं, हैशिंग हम जनरली यूज करते हैं सर्चिंग द एलिमेंट। ऑल्दो हमारे पास सर्चिंग के और भी मेथड्स है, लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n, मीन मतलब बेस्ट केस में आप कह सकते हो 1 है, वर्स्ट केस में n कह सकते हो, एवरेज केस में n/2, तो जिसको आप ऑर्डर ऑफ n लिख सकते हो। बाइनरी सर्च में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ log n, लेकिन बाइनरी सर्च में कंस्ट्रेंट क्या है कि एलिमेंट्स हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। अगर एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो उसको पहले सॉर्टेड करोगे फिर सर्च करोगे, वो तो n log n तक पहुंच जाएगी। तो उसके बेटर है कि आप लीनियर सर्च को यूज कर लो। लेकिन हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हम एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम सर्च कब करते हैं, जब हम पहले एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, किसके थ्रू, हैश फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैश फंक्शन के थ्रू हम एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स को इंसर्ट करने से पहले मैंने यहां पे एक हैश टेबल बनाया हुआ है। ये हैश टेबल के अंदर आपको सबसे पहले इंडेक्स वैल्यूज लिखनी है। इंडेक्स वैल्यूज आप कैसे लिखोगे, आपको दिया हुआ हैश टेबल ऑफ लेंथ 10, लेंथ कितनी है 10 और यहां पे हम मोड 10 को यूज कर रहे हैं। तो हमेशा मोड अगर 10, मतलब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 से लेके 9 तक आएगा। तो वही आपको यहां पे इसके इंडेक्स बनाने हैं। तो मैं यहां पे इंडेक्स नंबर जो है 7, 8, 9, तो ये यहां पे इंडेक्स नंबर जो है मैंने हैश टेबल के बना दिए। अब क्या करनी है, एक एक करके आपको की उठानी है। ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है तो एक एक करके की उठानी है, हैश फंक्शन में लगाना है। हैश फंक्शन क्या है हमारा, के ऑफ आई आई स्क्वेयर मॉड 10। तो इस फंक्शन में जब हम डालेंगे तो हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू किस जगह पे जाके इंसर्ट होगी। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1 स्क्वेयर मॉड 10। अगर आप करोगे तो 1 स्क्वेयर मींस 1, 1 मोर 10, मतलब आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 ही आएगा। तो 1 को हम अपनी पोजीशन पे, इंडेक्स नंबर 1 पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर मोड 10 व्हिच इज व्हाट, 9 मोर 10, मतलब अगर आप 9 को डिवाइड करते हो 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 इटसेल्फ। तो 3 वैल्यू है जिसको हमने 9 में प्लेस कर दिया यूजिंग दिस हैश फंक्शन। देन 12 स्क्वायर इज 12 स्क्वायर मॉड 10 व्हिच इज 144 मॉड 10। तो 144 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो हम फोर्थ में क्या डाल देते हैं यहां पे, 12। नेक्स्ट 4 को करोगे तो 16 मॉड 10, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 मॉड 10, 16 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 6। तो 6 को हम इस पोजीशन में डाल देते हैं, 4 को हम इस पोजीशन में यहां पे डाल देते हैं, 4 विल बी इंसर्टेड एट दिस पॉइंट। देन 25 स्क्वायर इज 625, तो यानी 625 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 5। तो 25 को मैं कहां डाल देता हूं, इस पॉइंट पे। देन 6 स्क्वायर इज व्हाट, 36 मॉड 10, द आंसर इज अगेन 6। तो 6 को हम डाल देते हैं 6 पोजीशन पे। बस यहां पे गाइस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप 6 को इंसर्ट कर रहे हो, 6 को इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि ऑलरेडी ये पोजीशन क्या है, फिल है। तो अब यहां पे लीनियर प्रॉबिंग का यूज
होगा। लीनियर प्रॉबिंग क्या कहती है कि उससे जो नेक्स्ट वेकेंट लोकेशन है, जस्ट नेक्स्ट है, उसको आप एलिमेंट को उस जगह पे डाल देते हो। एक्चुअल में करते क्या हम इसके अंदर एक और इंसर्ट कर देते हैं, मतलब जो नेक्स्ट प्लेस है, लेट्स से 4 हमने यहां पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो 6 क्या आएगा, नेक्स्ट वेकेंट लोकेशन में हम क्या डाल देते हैं, 6 को। देन 18 स्क्वायर मॉड 10, सो व्हाट इज 18 स्क्वायर, 324 324 मोर 10 करोगे तो मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 4। 4 पे ऑलरेडी एलिमेंट इंसर्टेड है, तो लीनियर प्रॉबिंग के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, नेक्स्ट भी इंसर्टेड है, नेक्स्ट भी फिल है, उसके बाद भी फिल है, तो लास्ट हमारे पास नेक्स्ट जो बचा वो क्या बचा, 8th पोजीशन। तो 8th पोजीशन में हमने क्या डाल दिया, 18। देन 20 को जब हम इंसर्ट करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या है, 400, 400 मोर 10 इज अगेन 0, तो रिमाइंडर क्या है, 0, तो यहां पे हमने 20 को 0th लोकेशन में इंसर्ट कर दिया। देन लास्ट एलिमेंट हमारे पास यहां पे 8, व्हाट इज 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 मोड 10, व्हाट इज द रिमाइंडर, 4, तो इंसर्ट इट हियर बट दिस इज ऑलरेडी फिल। देन नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट वेकेंट Already filled. Next, 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 next. Again go to the first position. Already filled. Already filled. Then what is the next? This one. तो ये आपका final में hash table जो है वो इस तरीके से आपको आएगा। तो options में क्या दिया होता है? कई बार इस तरीके से दिया होता है 21, 8 hash, मतलब खाली जगह पे दिया होगा 12, 25, इस तरीके से आपको सीक्वेंस दिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार गेट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉब वैल्यू। प्रॉब वैल्यू क्या होती है कि आप कितनी बार चेक कर रहे हो कि वो जगह खाली है या भरी हुई है। तो लेट्स से जैसे कि हमने आपको, मैं सिंपल सा पॉइंट यहां पे बता देता हूं, जैसे 20 को जब हमने इंसर्ट किया था तो 20 का स्क्वायर क्या है, 400 मतलब 400 मॉड 10 क्या है, 0। तो 20 को हम किस लोकेशन में डालेंगे, इस लोकेशन में। तो ये लोकेशन पहले क्या थी, खाली थी, तो हमने 20 को इस जगह पे डाल दिया। तो प्रॉब वैल्यू क्या है यहां पे, 1, मतलब आपने कितनी बार चेक किया कि 20 किस जगह पे जाएगा, एक बार ही तो चेक किया और उसी जगह पे आपने 20 को पुट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप सारी वैल्यूज को चेक करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे 8। अगर हम 8 की बात करें ना, तो 8 का स्क्वायर क्या आया था, 64 64 मोर 10 क्या होता है, 4, मतलब इस जगह पे वो एलिमेंट आना चाहिए था लेकिन यहां पे वो एलिमेंट नहीं आया बिकॉज यहां पे ऑलरेडी 12 था। तो आपको यहां पे प्रॉब कितना हो गया, 1, एक बार चेक किया वो भरा हुआ है। फिर आप दूसरे पे गए लीनियर प्रॉबिंग के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट जगह पे जाओ, नेक्स्ट वेकेंट पे, लेकिन नेक्स्ट भी फिल है, प्रॉब नंबर क्या हो गया, 2। देन नेक्स्ट भी फिल था, प्रॉब नंबर 3, नेक्स्ट भी फिल था, प्रॉब नंबर क्या हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और फाइनल में इस जगह पे जाके आपको खाली जगह मिली थी जहां पे आपने 8 को इंसर्ट किया। तो प्रॉब वैल्यू इसकी क्या आई, 9, which is the maximum value। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन में पहले पूछ रहे हैं तो आप चेक कर लो, हर एक एलिमेंट की प्रॉब वैल्यू आप साथ के साथ भी लिख सकते हो। सिंपल आपको बस ये चेक करना है कि कितनी बार आपने उस जगह के लिए, मतलब जहां पे वो एलिमेंट आना चाहिए था, कितनी बार आपने चेक किया। तो मैक्सिमम जो चेक किया वो आपने 8 के लिए चेक किया क्योंकि 8 आना चाहिए था यहां पे, लेकिन 8 का स्क्वायर क्योंकि यहां पे आना चाहिए था लेकिन यहां पे प्रॉब वैल्यू 1 नहीं आ पाया, 2 नहीं आ पाया, 3 नहीं आ पाया, 4 नहीं आ पाया, 5, 6 यहां भी नहीं आ पाया। फिर आपने यहां चेक किया 7, ये भी 20 फिल था। फिर आपने चेक किया 8, लेकिन यहां पे भी फिल था। और 9th प्लेस पे जाके, मतलब 9 बार आपने चेक किया तब जाके आपको खाली जगह मिली और वहां पे आपने जो लास्ट एलिमेंट था 8 उसको पुट किया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉब वैल्यू, 9, और ये किस एलिमेंट के लिए, 8 एलिमेंट के लिए। तो इस तरीके से गाइस बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन है, हैशिंग में से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको आप बड़े ध्यान से आपको करना है और डेफिनेटली आपको एक तरह से सिक्योरिंग है, मतलब आपको मार्क्स जो अगर अच्छे लेने हैं तो डेफिनेटली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से और बड़े ध्यान से करके आने हैं। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।